हम लोग एक तरह से हम लोग बात किसकी कर रहे हैं जो लोग काफी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं होंगे इंटेलेक्चुअल ठीक है सॉरी एसटी एक्यूट कि जो कोई भी चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए समझ पाए ठीक है काफी अच्छे से जो कैच कर पाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पर्स्पिकेशियस ठीक है पर्स्पिकेशियस फाइन तो दिस इज द दर्सपीकेशियस ओके वर्ड और इसके सिनेम्स क्या हो जाएंगे आपके एसटी फाइन एसटी ओके नेक्स्ट होता है डिसर्निंग डिसर्निंग एंड एक्यूट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इनको आप मार्क कर लीजिए ओके परिम्स हो जाएंगे एसटी डिसूट ओके discerning, acute, और इसके एंटेनिम्स क्या हो जाएंगे अगर आप परसीव कर पा रहे हो बहुत शार्प तरीके से ठीक है तो उसका एंटेनिम क्या हो जाएगा Unperceptive, फाइन Unperceptive इज द एंटेनिम ऑफ परसपीकेशियस नेक्स्ट इग्नोरेंट ओके okay. जो लोग परस्पिकेशियस नहीं होते डेट मीन्स उनको चीजें को जानने की ज्यादा उनको मतलब अंदर से डिजायर नहीं होती ठीक है दैट मीन्स उन लोग चाहते कि उनको मतलब वो ऐसा चाहते कि उनके पास नॉलेज ना हो नॉलेज ना हो तो बेहतर है ठीक है दैट मीन्स दैर इग्नोरेंट ऑफ नॉलेज तो इग्नोरेंट भी ऐसे इसका एंटेनिम हो जाएगा या फिर फुलिश ओके फुलिश इग्नोरेंट अनपरसेप्टिव दिज आर ऑल एंटेम ऑफ द वर्ड व

फाइन नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है को टर्मिनस को टर्मिनस ओके टर्मिनस इज द वर्ड एडजेक्टिव है ये ओके को टर्मिनस फाइन दैट मीन्स वर्ड इन कॉन्टैक्ट एंड टचिंग ओके इन कॉन्टैक्ट एंड टचिंग अगर आप देखोगे कि ये एक कंट्री है और ये भी एक कंट्री है तो दोनों के जो बाउंड्री है ये दोनों शेयर करते हैं यहां पर दे शेयर देयर बाउंड्रीज तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं को टर्मिनस कहते हैं फाइन इन कॉन्टैक्ट या फिर दे शेयर द कॉमन बाउंड्री जैसे कि आपने भूटान और इंडिया का देखा होगा इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना तो ऐसे जो बाउंड्री शेयर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग को टर्मिनस फाइन को टर्मिनस फाइन चलिए जो इसके सिरेनिम्स से उसको जान लेते हैं हम लोग कॉन्टिगुअस इज द दिनेम फाइन पहला सीरेनिम हमारे पास क्या है कॉन्टिगुअस कॉन्टिगुअस देखिए ये कॉन्टेजियस नहीं है कॉन्टिगुअस है ये कॉन्टेजियस नहीं है कॉन्टेजियस मतलब क्या होता है जो कि

तो जो पहला रिमोट okay? या फिर सेपरेट अलग से रहना okay? यहां देखोगे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं अगर बाउंड्री शेयर नहीं करते कर, थोड़ा सा दूर रहते तो हम लोग क्या बोलते कि इनके बाउंड्रीज जो है फाइन तो दैट इज दीज आर दर्ल्ड को टर्मिनस फाइन सेंटेंस के बूटान टर्मिनस विद इंडियन स्टेट फाइन है ओके वेस्ट बंगाल के साथ असम के साथ अगर आप मैप देखोगे तो they, fine. They share the okay? next word को टर्मिनस है फाइन दे शेयर दर दाउंड्री ओके चलिए जो नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है कि एरोडाइट वर्ड एरोडाइट एरोडाइट एडजेक्टिव है ये काफी अच्छा वर्ड है डेट फॉर लर्निड और स्कॉलरली कोई एक पर्सन हम लोग बोलते हैं ना कि, कि बहुत ज्यादा जिसको नॉलेज होता है ठीक है बहुत ज्यादा नॉलेज ओके okay, पंडित मान सकते हो कि इस चीज पंडित जवाहरलाल कर नेहरू मतलब दे हैव गॉट स्कॉलिस्टिक नॉलेज मतलब बहुत सारा नॉलेज एक टॉपिक के ऊपर मतलब विद्वान कह सकते हो आप ठीक है दे हैव गॉट एक्सट्रीम मतलब एक्सेसिव नॉलेज किसी टॉपिक के ऊपर उसको बोलते हैं हम लोग एरोडाइट ठीक है लर्न और स्कॉलरली फाइन जस्ट लाइक दिस इमेज फाइन ओके काफी एरोडाइट स्कॉलर है ये ओके जो इसके सॉन्ग के दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फाइन इंटेलेक्चुअल इज अ वेरी गुड वर्ड हाई ब्रो इसको आप मार्क कर लीजिए आप क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता हम लोग कुछ भी सेंस नहीं बना पाते ये हाइब्रो वर्ड से फाइन हाइब्रो फाइन सो so, हाइब्रो वाला होता है कि इंटेलेक्चुअल दैट ही 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 इज 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 वेरी स्कॉलरली ओके नेक्स्ट सैवी इज ए वेरी गुड वर्ड इसको भी आप मार्क कर सकते हो सैवी सैवी ओके सैवी थोड़ा सा ये यह डिस्टेंसोनिम है ठीक है लेकिन ये हो सकता है सैवी नेक्स्ट हमारे पास एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे अगर लर्निड है स्कॉलरली है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा इग्नोरेंट फाइन उनको नॉलेज जिसको नॉलेज कम है नहीं है तो उसको ये इसका हो जाएगा फाइन नेक्स्ट इज कॉमन अब देखिए लर्नेड और स्कॉलरली बहुत कम ही होते हैं और बाकी लोग जो होते क्या, वो क्या है कॉमन common है कॉमनर्स को कम नॉलेज होता है तो कॉमन भी एक इसका भीम हो जाएगा नेक्स्ट इज अनकल्चर्ड फाइन जो स्कॉलरली होते हैं नॉर्मली वो थोड़े से कल्चर्ड होते हैं ठीक है थीके? उनका जो बिहेवियर होता है उनका जो मैनर होता है उनका काफी कल्चर्ड रहता है तो अनकल्चर्ड इसका एंटेनिम हो जाएगा ओके अनक एंटेनिम हो जाएगा फाइन okay? ओके okay. जैसे सेंटेंस आपको अगर मैं डिस्कस करूं कि मिस्टर पंत वाज इट इन इंडियन हिस्ट्री मतलब ये क्या है कि इनको काफी नॉलेज है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ओके ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नोज एवरी थिंग ऑलमोस्ट फाइन सो द वर्ड इज एरोट एक बार रिवाइज कर लेते हैं मीनिंग क्या है इसका लर्निंग और स्कॉलरली सीरेनिम्स क्या हो जाएंगे इंटलेक्चुअल हाइब्रो सेवी एंटेनिम्स क्या हो जाएंगे इग्नोरेंट कॉमन अनकल्चर्ड एंड द सेंटेंस इज मिस्टर पंत वॉज इरोडाइट ओके इन इंडियन हिस्ट्री ओके चलिए नेक्स्ट so वर्ड है हमारे पास दैट इज कॉल्ड सन्ड्री सनरी इज ए गुड वर्ड ओके छोटा वर्ड है लेकिन काफी कबार कभी मीनिंग समझ में नहीं आता है sundry. Sundry का मीनिंग होता है कि ऑफ ऑफ वेरियस वेरियस काइंड काइंड सेवरल सेवरल फाइन मतलब बहुत सारा लेकिन अलग अलग ठीक है ऑफ सेवरल सेवरिलइंड एंड सेवरल ओके दोनों ही दैट मीनस डाइवर्स ओके डाइवर्स एक एक्सीनिम भी है डाइवर्स ओके okay? उसको बोलते हैं हम लोग सनड्री बोलते हैं यह आपके इमेज से काफी क्लियर है अगर आप देखोगे यहाँ पे आइटम्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वन टाइप ठीक है type, दूसरे टाइप का तीसरे टाइप का चार पांच है तो बहुत टाइप के आइटम्स है उसको बोलते हैं हम लोग सनरी ठीक है एडजेक्टिव भी होता है एंड आपका नाउन भी होता है ओके ठीक है नाउन भी कभी कभी हम लोग सनरी हम लोग एज ए नाउन भी यूज करते हैं अगर हम लोग नाउन की तरह यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बहुत अदर आइटम्स की तरह मीन करेगा अदर आइटम्स फाइन तो इसके सिनोनिम्स को जान लेते हैं डाइवर्स इज ए वेरी गुड सिनोनिम ठीक है डाइवर्स मैनीफोल्ड एसोर्टेड फाइन डाइवर्स मैनिफोल्ड एसोर्टेड एसोर्टेड इज ए गुड वर्ड इसको मार्क कर लीजिए आप लोग ये क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे. किसके? आपके Antonyms क्या हो 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 जाएंगे? जाएंगे. इसके किसके? आपके के. जाएगा आपका singular. अगर बहुत सारे टाइप है ठीक है उसका एंटेनिम अगर एक ही टाइप हुआ तो उसमें डाइवर्सिटी थोड़ी दिखेगी है. जो एक है ठीक है उसमें डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी तो सिंगुलर इज ए वर्ट एंटेनिम ऑफ सनड्री नेक्स्ट सिमिलर फाइन सिमिलर कंटी सॉरी डरी में जो आइटम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ठीक है सिमिलर मतलब कि एक ही नेचर के तो फाइन ये भी एंटेम हो जाएगा नेक्स्ट इंडिविजुअल आल्सो ऑफ फाइन ओके सेंटेंस क्या है कि यूसेज में सन्ड्री डिशेज वर मेड अवेलेबल इन द पार्टी मतलब क्या है बहुत सारे डिशेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेज वेयर अवेलेबल इन द पार्टी

मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये होगा कि वो होगा ठीक है आप मन नहीं बना पा रहे हो कि भाई आपको क्या चाहिए ओके okay? तो दैट इज कॉल्ड दैट मींस आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो आप ठीक है दैट मींस यूर इन डिसाइसिव ओके उसी को बोलते हैं हम लोग वैसिलेट करना वैसिलेट थोड़ा सा आप स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना आप लोग डबल एल है यहाँ पे ओके नेक्स्ट इसके क्या हो जाएंगे एक तो होगा आपका वेवर ओके okay? वेवर फाइन वेवर भी इनडिसाइसिव यू होता है ओके okay, ऑसुलेट करना या फिर फ्लक्चुएट करना ये इमेज से काफी क्लियर है सो दिस इज अ पर्सन अगर आप देखोगे कि ये जो इमेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक में और वो स्विंग हो रहा है यहां 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 से यहाँ और यहाँ से यहाँ. Fine, यहाँ से यहाँ, यहाँ से और फाइन तो दिस पर्सन इज इसका जो माइंड में जो थॉट है वो क्या कर रहा है वैसीलेट कर रहा है या फिर जो इसके जो थाट्स है वो ऑसिलेट कर रहे हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं फिक्स नहीं है वो ठीक है इट इज इन काफी चेंज हो रहा है ये ठीक है तो वेवर, इसका हो जाएगा फ्लक्चुएट एंटे क्या हो जाएंगे स्टेडि, स्टेडि मींस मतलब क्या है कि जिसमें चेंजेस काफी कम होते हैं उसको बोलते मतलब हैं चेंज होता ही नहीं है मान लीजिए ठीक है स्टडी ओके स्टडी या फिर कोई चीज परसिस्ट करना परसिस्ट मतलब क्या है एक ही काम में लगे रहना गे? उसको बोलते करना गे? या फिर काम जिसको अगर आप चेंजेस नहीं है दैट मीन वो क्या है काम है काफी ओके

वैसिलेट ओके वैसिलेट ओके यूसेज क्या होगा द स्टूडेंट वैसिलेटेड बिटवीन बैंक एग्जाम एंड एस एस एग्जाम ये जो इमेज है ये सब कुछ समराइज करता है ओके okay? सब कुछ समराइज करता है आपका ओके सो गाइज आज कल हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे डू